अगली खबर है कानपुर से, जहां विकास प्राधिकरण की 135वीं बोर्ड बैठक में 18 प्रस्तावों पर गहन चर्चा की गई। 6 घंटे चली इस बैठक में 17 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। तो वहीं एक प्रस्ताव महायोजना 2031 पर विस्तृत चर्चा न होने के कारण एक हफ्ते बाद पुनः बैठक का मंथन किया जाएगा। बैठक में पहली बार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 1417 करोड़ का बजट पास हुआ। कानपुर मंडलायुक्त डॉक्टर राजशेखर ने बताया कि मेट्रो ट्रैक के दोनों तरफ 500 मीटर में विशेष जोन विकसित किए जाएंगे। इसमें भवनों की ऊंचाई बढ़ने के साथ ही आवासीय कम व्यवसायिक क्षेत्र रोजगार बढ़ने की संभावना रहेगी। इसके साथ ही आम जनता को घर खरीदने के लिए अब पुराने वाले रेट पर ही प्लॉट मिलेंगे। मेट्रो के 500 मीटर दोनों तरफ टीओडी जोन जो है डिक्लेयर किया जाएगा, एक अलग जोन होगी विकास का। उसके लिए जो है वो डिटेल प्लानिंग मेट्रो द्वारा जो है किया जा रहा है डीडीए के सहयोग से, और शीघ्र ही उसका जो है प्रस्तुतिकरण भी बोर्ड में किया जाएगा, और उसमें जो है विशेष प्रोविजंस किए जाएंगे कि मेट्रो के दोनों जो है 500-500 मीटर के। इसके अलावा ये भी है कि आम जनमानस को रिलीफ देते हुए कि जो भी घर खरीदना चाहेंगे केडीए से, कि जो रेट्स फ्लैट्स के है वो फ्लैट्स को भी इस साल जो है जो रेट पिछले सालों का था उसी रेट पे उसको फ्रीज़ कर दिया गया है, कोई बढ़ोतरी उसमें नहीं किया गया है, ताकि वो उसी रेट पे जो है फ्लैट्स खरीद सकते हैं।